ओके, हैंड रिटन शीट नंबर फोर। हैंड रिटन शीट नंबर फोर, हमने एक टॉपिक, एक क्वेश्चन है और एक टॉपिक है फोर्स का, ये हमने उस टाइम नहीं किया था, आज इसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे वापस आएंगे। हैंड रिटन शीट नंबर फोर, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको हर, ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हर बुक में मिलेगी। आपको क्या गिवन होगा कि दो आपके पास चार्जेस हैं, एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स हैं और ये आपस में सस्पेंडेड हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एंड थीटा। आपने इन्हें सबसे पहले किस में रखा, वैक्यूम में। फिर आपने इनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इन वाटर, पानी में शिफ्ट करते ही क्या दो चीज़ें इनमें चेंज होंगी। पहला मीडियम, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा इसमें, पॉइंट नंबर वन, और दूसरा वेट ऑफ द बॉडी, वेट जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर के अंदर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, वो जो अप थ्रस्ट है वेट को रिड्यूस कर देगा। इस क्वेश्चन में गिवन है जब आपने मीडियम को चेंज किया, थीटा रिमेनिंग दी सेम, थीटा में कोई फर्क नहीं आया। तो इसमें बॉडी की डेंसिटी रो एंड वाटर की डेंसिटी सिग्मा। स्ट्रिंग के जितने क्वेश्चंस हैं हमने कैसे किए इक्विलिब्रियम में, टी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, यही रूल था। इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही करेंगे, निकालना क्या है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वाटर, थीटा रिमेनिंग दी सेम। तो सबसे पहले अगर वैक्यूम की बात करते हैं, क्यू एंड क्यू, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा एंड थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, थीटा थीटा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। एंड वेट कितना है इसका, डब्ल्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, एफ सी। जितने भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उसमें यही करते आए हैं कि वेट जो है वो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ हम बैलेंस करते हैं। इसके अंदर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, इन दोनों को डिवाइड किया, साइन और कॉस क्या देगा आपको, टेन। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन आ गई। मीडियम क्या चल रहा है इसमें, वैक्यूम। अब मीडियम को मैं चेंज करूंगा, मीडियम क्या है, वाटर। वाटर के अंदर क्या चीज चेंज हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड वेट डब्ल्यू डैश। पहले वेट कितना था, डब्ल्यू, पानी ने क्या लगाया, अप थ्रस्ट, तो वेट नया कितना हो गया, डब्ल्यू माइनस यू, दैट इज डब्ल्यू डैश। फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, इन्हें फिर से डिवाइड किया, फिर से टेन थीटा आ गया। तो एक बार टेन थीटा ये आया, एक बार टेन थीटा ये आया, एंगल तो चेंज ही नहीं हुआ, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, इक्वेट। इक्वेट करके एफ ई और एफ ई डैश, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम, दिस इज फोर्स इन वाटर, इन्हें डिवाइड करके ये टर्म आ गई। फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वाटर को क्या बोलते हैं, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। और W डैश को क्या पुट कर लिया, W माइनस यू, और हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये टर्म आ गई, W का मतलब वेट, वेट का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, वेट का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, अपथ्रस्ट का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अपथ्रस्ट में हमेशा डेंसिटी लिक्विड की, और वेट में डेंसिटी हमेशा बॉडी की। तो यहाँ से वी जी वी जी वी जी कैंसिल और आंसर आ गया। आपके हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तीन चार लोगों ने डाउट भी पूछा था, आपको सोल्यूशन हो सकता है समझ में ना आए क्योंकि बुक वाला यूज करता है लैमीज थ्योरम। जितने बुक, जितनी बुक्स हैं उसमें लैमीज थ्योरम से सॉल्व किया हुआ है, मैंने लैमीज थ्योरम यूज नहीं की, मैं नॉर्मल कंपोनेंट से ही सॉल्व करता हूँ, तो आंसर यही रहेगा। तो क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। और दूसरा टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैं बहुत लेट करवा रहा हूँ ये टॉपिक, दिखा रहा हूँ रादर, करवा दूँ मैं बहुत पहले चुका हूँ, करवा रहा हूँ दिखा रहा हूँ ये टॉपिक लेट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या किया था कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज है क्यू नॉट, और वो क्यू नॉट इज सराउंडेड बाय मेनी चार्जेस, तो मेनी चार्जेस उस क्यू नॉट के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे और नेट फोर्स क्या होगी, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। जैसे अगर एक दो तीन चार्जेस हैं और इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो इसके सराउंडिंग चार्जेस से हम फोर्स निकालते हैं कि ये इसे रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फिर देखते हैं कि वेक्टर सम उसका क्या कैलकुलेट होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर लिखना है तो यही है, इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। तो मतलब कि एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल द फोर्सेस जो उस चार्ज पे लग रही हैं ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस।
या इन शॉर्ट बुक्स में ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा बना हुआ, तो इस टाइप के डायग्राम में क्या गिवन है, इस टाइप के डायग्राम में अगर मान लो Q नॉट चार्ज है एंड सराउंडेड बाई Q1, Q2, Q3 एंड Qn, तो इसके ऊपर अगर नेट फोर्स निकालनी है तो क्यू नॉट को Q1 क्या करेगा, रिपेल, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल, Q3 भी क्या करेगा, रिपेल, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगी, इन सबका वेक्टर सम टिल एन नंबर ऑफ फोर्सेस। तो पहली फोर्स किसकी है, क्यू नॉट और क्यू वन की, तो इनकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर, 01 का स्क्वायर। तो कोई भी डिस्टेंस मान लो क्यू वन और क्यू नॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है, r01 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए कोई भी यूनिट वेक्टर मान लो r ऑफ 1001 का कैप। सिमिलरली 0 और 2 के बीच में q नॉट एंड q2, r02 का स्क्वायर, r02 का कैप एंड सो ऑन। ऐसा फिजिक्स वालों का लिखने का तरीका है। हम न्यूमेरिकल्स कर चुके, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी हम लगाते नहीं है। न्यूमेरिकल में सीधा हम क्या करते हैं, ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, इनका वेक्टर सम, बात खत्म। हमें न्यूमेरिकल सारे करने आते हैं, बस ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। आपको पढ़ना आना चाहिए बुक्स में कि किस तरीके से मेंशनड है, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे यादता नहीं है। तो इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये टर्म कॉमन, तो ये टर्म बच जाएगी, और सिग्मा की फॉर्म में लिखना हो तो Q1, Q2, Q3, Qn को लिखेंगे Qi, सिग्मा का मतलब समेशन, कि सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, R01, R02, R03, R0n की जगह R0i, R01 स्क्वायर, R02 स्क्वायर, R03 स्क्वायर, R0i स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आपकी बुक्स ने लिखा हुआ है। तो अगर आप कहोगे मैं पहले थ्योरी ये करवाऊं उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊं, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी में गुम जाओगे आप, इसको लगा ही नहीं पाओगे, थ्योरी क्या बता रही है और न्यूमेरिकल कैसे हो रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए शीट को मैंने बाद में करवाया ताकि ये टॉपिक आपके लिए बोर ना बन जाए, ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो शीट नंबर 12, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज।